अज नचना पीर पंजा पहाड़िए एसटी होई गए, मोदी भी नचने नाल पहाड़िए एसटी होई गए, अमित शाह भी नचने नाल पहाड़िए एसटी होई गए। हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। असल जिम्मेदार है लोगों की पूरा हक मिलना है, जो आज दुनिया भर के काश्तकार उन्होंने भी देने, चलो कहते जमींदार उन्होंने भी देने, जैसे बड़े बड़े बच्चे के वजीफा देने, बड़ी सहूलतें राशन देने, उन्होंने रोटी देने, इस वजह से बीजेपी सरकार ने ऐसी बड़ी सहूलतें दी हैं। अस बड़े मशहूर हैं, उन्होंने कई ऐसे ऐसे हक नहीं मिले, ऐसे हक मिल रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों की, सब लोग जो बड़े खुश हैं। खुश है मैडम, बहुत खुश है। कहाँ से? मैं कश्मीर से आया, शोपियां डिस्ट्रिक्ट से। नाम है आप? मेरा नाम है शोकी। मैं जी को देखने कितनी खुशी है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। राजा राम की जय, राजा राम की जय। भारी गुजर एकता, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पहाड़ी कबीला के लोग आज बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन शुरुआत जो है वो गाने से करते हैं। आप गुनगुनाते भी आज नरेंद्र भाई मोदी के लिए, कौन सा पहाड़ी गाना गुनगुनाएंगे? अज नचना पीर पंजा पहाड़िए एसटी होई गए, मोदी भी नचने नाल पहाड़िए एसटी होई गए, अमित शाह भी नचने नाल पहाड़िए एसटी होई गए, अज नचना पीर पंजा पहाड़िए एसटी। आज गला भी खराब हो गया मुझे, बताइए। बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा आप सबका भी, लेकिन उसके साथ साथ जो गृहमंत्री अमित शाह ने वादा किया था उन्होंने वादा पूरा कर दिया। इस सरकार पे ये इल्जाम आया तो होता था कि ये सरकार वादे की पक्की नहीं है, आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि भगवती नगर तब भी आप इस चीज़ के गवाह थे और आज नरेंद्र भाई मोदी यहाँ आ रहे, आप हमारे साथ हैं। देखिए, इस सरकार का शुरू से हमें यकीन था, पहाड़ी कबीले के लोगों को यकीन था कि जो ये लोग कहते हैं वो करते हैं, और हम शुरू से अपनी कम्युनिटी के साथ भी, आपको पता होगा कि हम हमेशा बराबर ये कहते थे कि जो मोदी और जो अमित शाह जी का जो वादा है, खासकर लाखों पहाड़ियों के साथ, वो पक्का पूरा होगा, और आपने देखा है कि वो वादा पूरा हो चुका है। अब बारी पहाड़ियों की है, अब बारी हमारी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ लाखों पहाड़ी लोगों की तरफ से कि नरेंद्र भाई मोदी जी को अगर हम वहाँ पे पहुँच ना भी सके, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि लाखों गुजर भी हमारे साथ हैं। आज अगर आप पीछे ज़रा थोड़ा सा अपना कैमरा घुमाएंगे तो दोनों कम्युनिटीज़ के लोग आज यहाँ पे, गुजर बरादरी के लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करने आए हैं कि जो एक वेज बनाया था दो कम्युनिटीज़ के बीच में, गुजर और पहाड़ी को लेके, वो आज दोनों कम्युनिटीज इकट्ठे होके नए जम्मू कश्मीर के अंदर अपना रोल जो है वो निभाने के लिए तैयार है। गुरुदेव जी, बहुत अहम रोल निभाया आपके पूरे स्विंग ने, लेकिन ये बताइए कि आपकी जो कम्युनिटी है उन पर जो भरोसा है, क्या वो ज्यादा हो गया आपकी कम्युनिटी का आप पर? देखिए, हमारी जो 35 साल की एक मूवमेंट चल रही थी, जदोजहद चल रही थी, उसको पूरा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। हमें ये भरोसा था कि अगर कोई हमारी मांग को पूरा कर सकता है तो वो यही सरकार है, यही होम मिनिस्टर है, यही प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया, और हम इनके धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने पहाड़ियों को उनका हक दिया, और आज आप देखें कि पहाड़ी और गुजर कम्युनिटी के लोग सभी मिलकर उनका वेलकम कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हमें किया गया कि आज तक जितनी भी पार्टियाँ रही या सरकारें रही, उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया हुआ था कि पहाड़ी और गुजर में एक वेज क्रिएट करके दोनों का वोट लिया जाए, लेकिन इस सरकार ने वो वेज खत्म कर दी है, और हम पहाड़ी और गुजर कबीले के लोग, बकरवाल कबीले के लोग, और जितने भी ट्राइब्स जम्मू कश्मीर में हैं, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की तरक्की और पूरे भारत की तरक्की हो। आपके नौजवानों को जॉब्स में भी रिजर्वेशन मिला करेंगे, उसके लिए क्या कहेंगे? काफी देर से ये भी डिमांड। देखिए, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है वो किसी भी कम्युनिटी की तकदीर बदलने का दम रखता है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 70 साल में सबसे बड़ा गिफ्ट राजौरी पूंछ के खासकर जो पहाड़ियों को मिला, वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला, क्योंकि आने वाला जो आपका मुस्तकबिल है, आपके नौजवानों का मुस्तकबिल है, वो उसमें एक, मैं कहता हूँ कि ये इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ पहाड़ी कम्युनिटी, जब हमारे लोग एक्चुअल में इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा उठाएंगे, और साथ साथ जो गुजर बरादरी के लोग हैं
उनके साथ मिलके, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास शेड्यूल ट्राइब था, तो गुजर बरादरी के लोगों ने पूरा उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो मेहनती कौम है, मेहनती लोग हैं, और इसी तरह हमारी कम्युनिटी के लोग भी मेहनती हैं। अब हम मिलजुल के जो है वो आगे जम्मू कश्मीर को बढ़ाएंगे।